मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में हरियाणा के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को डेब्यू करने का मौका दिया है। अंशुल को आईपीएल 2024 के ऑक्शन में एमआई ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा था। अंशुल दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है और डोमेस्टिक क्रिकेट में हरियाणा के लिए एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते रहते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 अंशुल कंबोज के लिए बहुत ही शानदार साबित हुई थी। शायद उसी के बलबूते पर उन्हें मुंबई इंडियंस ने अपना आईपीएल डेब्यू करने का भी अवसर दिया। अंशुल कंबोज का जन्म 6 दिसंबर 2000 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उन्होंने हरियाणा के लिए फरवरी 2022 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। अंशुल अब तक अपने फर्स्ट क्लास करियर में 13 मैच खेलकर 24 विकेट ले चुके हैं दोस्तों, और बल्लेबाजी में भी 284 रन बना चुके हैं। वो डेब्यू के बाद से ही निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनका हरियाणा के लिए T20 डेब्यू अक्टूबर 2022 में हुआ और उसके बाद अपने T20 करियर में 9 मैचों में 11 विकेट ले चुके हैं। अंशुल कंबोज को ज्यादा लोकप्रियता तब मिली जब उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में हरियाणा के लिए लाजवाब प्रदर्शन किया। उन्होंने सीजन में खेले 10 मैचों में 17 विकेट चटकाए थे। इन 10 मैचों में उनका इकोनॉमिक रेट 3.58 का रहा था। उनका ये प्रदर्शन आईपीएल की फ्रेंचाइजी को रिझाने के लिए काफी साबित हुआ, क्योंकि आईपीएल 2024 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने अंशुल कंबोज को 20 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा था। याद दिला दे कि अंशुल ने विजय हजारे 2023 ट्रॉफी के फाइनल में 9 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए थे। उन्होंने इस प्रदर्शन के बलबूते पर हरियाणा को पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जिताने में मदद की थी। दोस्तों, ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।